गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लियो में हूँ और ये यहाँ की स्पेशलिटी है, पता नहीं इसको बोलते हैं, नाम भूल गया मैं, आपको बताता हूँ बाद में। तो इसको टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा है। बहुत ही टेस्टी है, मज़ा आ गया। इसको बोलते हैं रियो स्कू खालिन, बोलना भी बहुत मुश्किल है नाम। ये है लियों का शॉपिंग जोन और अभी मैं जा रहा हूँ प्लास बेलकू, तो वो भी आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे अभी एक भी शॉप खुली नहीं है, सब 10 बजे खुलता है, तो 10 बजे से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे भी एक गिफ्ट की शॉप है, तो यहाँ से भी एक गिफ्ट ले लेता हूँ लियो की याद में। प्लास बेलकू पहुँच गया मैं अभी, तो थोड़ा इधर विजिट करते हैं, चलिए मेरे साथ। यहाँ पे मेंटेनेंस चल रहा है थोड़ा, तो इस व्यू इतना मज़ेदार नहीं है। यहाँ पे मार्से चल रहा है, तो दिखाता हूँ कि यहाँ फ्रांस में मार्से कैसा होता है। यहाँ सारी चीज़ें मिलती है सस्ती, तो मार्से मतलब अपने इंडिया में जैसे ओपन मार्केट होता है, तो ऐसा यहाँ पे वीकेंड में रहता है हर जगह पे। तो यहाँ पे सब फ्रूट, खाना पीना और कपड़े ये सब मिल जाता है। तो ऐसा होता है फ्रांस का मार्से, जहाँ पे आपको फ्रूट, वेजिटेबल्स, कपड़े और दूसरी भी चीज़ें मिल जाती है, और नॉर्मल प्राइस से यहाँ पे सस्ता मिल जाता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कुछ सस्ता लेने में, तो आप मार्से में जा सकते हो वीकेंड में, वो हर जगह पे होता है नॉर्मली। अभी मैं खड़ा हूँ ये पासरेल द पाले दू जस्टिस ब्रिज पे, तो यहाँ से लियों सिटी का व्यू बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हो मेरे पीछे, बहुत ही बढ़िया जगह है ये। यहाँ से लियों का व्यू भी बहुत सुंदर है और यहाँ पे आपके फोटोज़ और वीडियोज़ भी अच्छी आ सकती है। यहाँ से फ़ोटो काफ़ी अच्छे आएंगे, मैं भी फ़ोटो शूट कर लेता हूँ, मेरा थोड़े फ़ोटो खींच लेता हूँ। अभी मैं वहाँ ऊपर जा रहा हूँ, वो जो कैथेड्रल है वहाँ पे। यहाँ नीचे भी एक कैथेड्रल है, तो पहले इसको घूम लेते हैं, फिर हम जाएंगे वहाँ ऊपर की साइड।
यहाँ पे भी काफ़ी छोटी छोटी गलियाँ है, तो बस अभी यहीं पे घूमते हैं क्योंकि यही रास्ता है ऊपर जाने के लिए। ये यहाँ पे सीढ़ियाँ है ऊपर जाने के लिए, पर मैं लिफ्ट से जाऊंगा, अभी सीढ़ियाँ चढ़ने का मन नहीं है। यहाँ से लिफ्ट जाती है ऊपर तक, पहले टिकट लेना पड़ेगा फिर निकलते हैं ऊपर। तो ये टिकट ले लिया है ऊपर जाने के लिए। फाइनली ऊपर पहुंच गया। वो जब ट्रेन टनल में घुसी तो थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि ट्रेन पूरा ऐसे जा रही थी, पर फाइनली सही सलामत बाहर निकल गए। यहाँ भी अंदर देख लेते हैं। नॉर्मली वीडियो लेना अलाउ नहीं था अंदर, पर आपके लिए मैंने थोड़ा शूट कर लिया। यहाँ से पूरे लियोन का व्यू दिखता है, जैसे पेरिस में सैक्रे कोर से दिखता है। आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ से कैसा व्यू दिखता है। आपको कैसा लगा यहाँ का व्यू कमेंट करके बताओ। ये पूरे लियोन सिटी का मैप है और क्या क्या देखने लायक है वो सारा इधर लिखा हुआ है और यहाँ पे लोकेशन है। अभी हम पहुँचे हैं थिएटर पे, वो पीछे जो है वो ओपन थिएटर है, देखते हैं वहाँ पे क्या है। थिएटर मतलब वो मूवी सिनेमा वाला नहीं, जहाँ पे ऐसे लाइव शो होते हैं उसको यहाँ पे थिएटर बोलते हैं। और ये देख के मुझे रोम की याद आ गई। मैंने देखा तो नहीं है अभी, पर वो फोटोज जैसे दिखाते हैं रोम की। That's it for today guys. Thank you for watching video. Please like, share and subscribe my channel and also comment if you like the video. Bye bye. Next video mein fir milenge.